हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेल, काफी लोग मुझसे पूछते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिनमें हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स डिस्कस करूंगा। वैसे तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स में और टेक्निकल्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम फंडामेंटल्स में कुछ जरूरी चीजें देखेंगे, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटीज, एल्टीमा जेड स्कोर और एबिटडा। और दोस्तों, टेक्निकल्स में हम दो मेन चीजें देखेंगे, पहला है ट्रेंड और दूसरा है 200 डे मूविंग एवरेज। तो फ्रेंड्स, मदरसन सुमी एक लार्ज कैप कंपनी है। ये कंपनी एक वर्ल्ड लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। इनके प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होते हैं जनरेटर्स, ऑल्टरनेटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो आइए दोस्तों, मदरसन सुमी की इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। मदरसन सुमी की इनकम स्टेटमेंट है जो हम वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com पे देख रहे हैं। अगर उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो 18 में इनका रेवेन्यू था 7456 करोड़, ये 19 में बढ़ गया 7581 करोड़, उसके बाद ही थोड़ा सा लेस हो गया 20 में 6873 करोड़, और ये जो आप TTM देख रहे हैं, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स ये फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, अभी इनका 4295 करोड़, ये कोविड का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से थोड़ा कम हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अदर इनकम, इनकी जो अदर इनकम है वो है 391 करोड़। इनकी कोई बैंक में FDs होंगी जहाँ से इंटरेस्ट आता होगा, कोई प्रॉपर्टीज रेंटल भी होगी जहाँ से रेंट आता होगा। अब हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू और अदर इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाती है टोटल इनकम जो है 4687 करोड़। अब हम इसके अंदर से टोटल एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे जो है 3819 करोड़। बहुत टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉयज को सैलरीज जाती है। उसके बाद जो फिगर आती है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 868 करोड़। इसके अंदर से इंटरेस्ट लेस हो जाएगा जो है 109 करोड़, कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट गया होगा। उसके बाद जो फिगर आती है वो है PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो है 758 करोड़। इसके अंदर से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, जैसे कोई मशीनरी पुरानी हो जाती है तो 225 करोड़ इसमें लेस हो जाएंगे। फिर जो फिगर आती है वो है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, जो है 533 करोड़। इसके अंदर से एक्सेप्शनल आइटम्स से लेस हो जाएंगे जो है 19 करोड़, कोई लिटिगेशन कॉस्ट होगी। उसके बाद जो फिगर आती है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 513 करोड़। इसके अंदर से टैक्स लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स जो है 78 करोड़। उसके बाद जो फिगर आती है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 435 करोड़। अब अगर हम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 17 से, तो 17 में इनका प्रॉफिट था 827 करोड़, ये बढ़ गया 18 में 879 करोड़, ये थोड़ा सा लेस हो गया 19 में 813 करोड़। उसके बाद ये दोबारा बढ़ गया 20 में, अगर हम देखें 898 करोड़, और उसके बाद अभी थोड़ा सा लेस हो गया 435 करोड़ कोविड के इंपैक्ट की वजह से। इसके बाद हम देखेंगे शेयर कैपिटल। अगर हम इनका शेयर कैपिटल देखें तो 17 में इनका शेयर कैपिटल था 140.40 करोड़, 20 में हो गया 210.50 करोड़। उसके बाद अगर हम देखें ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है 19 से, 315.80 करोड़, और बिल्कुल सेम है 20 में भी, और अभी भी सेम है जो TTM है ट्रेलिंग 12 मंथ्स फाइनेंशियल जो अभी चल रही है 315.79 करोड़, विच मीन्स कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई भी न्यू शेयर्स इशू नहीं किए, काफी अच्छी बात है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल रिजर्व्स। अगर हम इनके टोटल रिजर्व्स देखें तो 17 में इनके रिजर्व्स थे 5662 करोड़, ये बढ़ गए 18 में 5969 करोड़, ये 19 में और बढ़ गए 6122 करोड़, ये काफी अच्छी बात है, इनके रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 20 में थोड़े से लेस हो गए 5928 करोड़, ये दोबारा बढ़ गए अभी 5946 करोड़, कोविड टाइम्स में इनके रिजर्व्स बढ़े हैं, काफी अच्छी बात है। इसके बाद हम देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर हम इनकी नॉन करेंट लायबिलिटीज देखें तो वह 4669 करोड़। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो कंपनी को मोर देन ईयर में देनी होती है, जैसे कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके बाद हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज, इनकी करंट लायबिलिटीज है 1739 करोड़। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो कंपनी को लेस देन ईयर में देनी होती है, जैसे कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसके बाद हम देखेंगे एल्टीमा जेड स्कोर। फ्रेंड्स, इनका एल्टीमा जेड स्कोर है 3.26। जिस भी कंपनी का एल्टीमा जेड स्कोर 3 या उससे ऊपर होता है उसका ये मतलब है कंपनी अगले 2 साल में बैंक्रप्सी की तरफ नहीं जा रही। इनका एल्टीमा जेड स्कोर है 3.26, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर नहीं है पर एक वीक स्कोर भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे एबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब कंपनी ने पिछले 10 साल में कितना पैसा बनाया है। तो कंपनी ने पिछले 10 साल में बनाया 31,767 करोड़। इसके अंदर से टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये सारी चीजें लेस हो जाएंगी। उसके बाद तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया पिछले 10 साल में वह 12,447 करोड़। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह 66,427 करोड़, काफी बड़ी मार्केट कैप है। उसके बाद हम देखेंगे कैश इन हैंड, इनके पास कैश इन हैंड है 4,879 करोड़। उनका जो टोटल डेट है वो 11,770 करोड़। कंपनी काफी अच्छे से अपना डेट मैनेज कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छी है इनकी 61.73%। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी आई। अब हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं।
फ्रेंड्स, ये मदरसन सुमी का मंथली चार्ट है जो हम ईयर 2011 से देख रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज। यहाँ भी आप देख सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं। तो जो भी स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था वो क्लियरली एक अप ट्रेंड में होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई और उसने लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए, विच मीन्स डाउन ट्रेंड। और हम डाउन ट्रेंड के स्टॉक को कभी भी नहीं लेना चाहेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे एक नया लो बनाया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर दिया है और प्राइस ने एक नया हाई बनाया है। ये जो लोअर हाई था लास्ट वाला उससे ऊपर एक हाई बन गया, विच मीन्स हायर हाई, ये दोबारा एक अप ट्रेंड में आ गया है। तो इसके अंदर बहुत जल्दी उम्मीद है ट्रेड डेवलप होने की। आप देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन प्राइस इसके भी ऊपर है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ब्लू वाली प्राइस इसके भी ऊपर है। ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं, ये एक अप ट्रेंड में आ गया है। तो टेक्निकली अभी इसके अंदर ट्रेड नहीं है, पर बहुत जल्दी उम्मीद है इसमें ट्रेड डेवलप होने की। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मदरसन सुमी फंडामेंटली और टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप डेफिनेटली इसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म, और जब भी टेक्निकली इसमें कोई इंट्राडे स्विंग या लॉन्ग टर्म ट्रेड डेवलप होगी तब मैं डेफिनेटली अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।